फ्रेंड्स, वीयू खानपुर में खुश आमदीद। आज आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो बड़ी इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। जो पिछले एक हफ्ते से आपको परेशानी का सामना था, और जैसा कि मैंने कल एक वीडियो भी बनाई थी उसके ऊपर कि इंटरनेट पूरे मुल्क में जैसा हाल किया हुआ है या हो चुका है, और सोशल मीडियाज और यूट्यूब जिस तरह बंद हैं, तो स्टूडेंट के तो वीडियो लेक्चर नहीं चल रहे थे, तो स्टूडेंट यही पूछ रहे थे क्या होगा अब इसका। अब उसका हल यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया है, और एक बड़ी अच्छी खबर है आपके लिए, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा आपको, और आपके तकरीबन मेरा ख्याल है कि जो मसले हैं वो अब हल हो चुके हैं। अगर किसी को कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है इंटरनेट की, तो अब वो मसला नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो इंटरनेट चलता है ना उसके ऊपर, सिम के ऊपर भी या मोबाइल डाटा के ऊपर, वो यूट्यूब ओपन नहीं होती या इस तरह का वीडियो लेक्चर नहीं ओपन होते, लेकिन LMS ओपन हो जाता है। तो जब LMS आपका ओपन हो रहा है, आपको क्वीज़ का पता चल रहा है, असाइनमेंट का पता चल रहा है, तो फिर तो आपका जो है ना वो मसला तकरीबन हल है। वीडियो में मज़ीद तफसील में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इंटरनेट का मसला यूनिवर्सिटी ने हल कर दिया है। इंटरनेट से मुराद मसला ये नहीं कि इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है यूनिवर्सिटी, क्योंकि इंटरनेट की वजह से आप यूट्यूब और वीडियो लेक्चर प्ले नहीं हो रहे थे, तो वो उसका हल यूनिवर्सिटी ने दे दिया है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ भी पूछना हो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो कितना आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है। तो सबसे पहले LMS ओपन करते हैं। अगर आप LMS ओपन करें तो वहाँ पे आप जो अनाउंसमेंट्स हैं ना उसमें आपको जो मैं बात बता रहा हूँ ये वाली, कि जो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, एक बड़ा फैसला यूनिवर्सिटी ने किया है, वो आपको अनाउंसमेंट में नज़र नहीं आएगा। ठीक है, उसमें वैसे का वैसा ही है सारा कुछ जैसा पहले था, लेकिन ये जो अनाउंसमेंट्स हैं ये जो देखना है आपने, जो अच्छी खबर यूनिवर्सिटी ने दी है, वो आप जाएंगे नोटिस बोर्ड के ऊपर। यूनिवर्सिटी का जो नोटिस बोर्ड है या आपके LMS के अंदर जो नोटिस बोर्ड है, एक बेल आइकॉन यहाँ पे मूव कर रहा होता है, तो उसको जब आप प्रेस करेंगे तो ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आ जाएं तो यहाँ पे देखें, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे खबरें हैं, एक 15 की है और एक 16 की है, मतलब ठीक है। तो ये बड़ी आम खबरें हैं। इसके ऊपर जो वीयू जो PF के बारे में कोई मालूमात है वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में दूंगा। यहाँ तक आप देखें, एक तो यह है कि रीशेड्यूलिंग ऑफ अकेडमिक एक्टिविटीज़, जितने भी क्विज असाइनमेंट्स थी वो यूनिवर्सिटी ने उनकी डेट जो है ना वो एक्सटेंड कर दी है। इस हफ्ते में बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो चल रहा है, यानी जो 14 से स्टार्ट हुआ था 15 से, आज 16 है मई की, तो इस हफ्ते में बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, इन सब को अब जो 15 से लेकर 21 तक 20 तक, ठीक है, जो हफ्ता था इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, अब इनको शिफ्ट कर दिया है अगले हफ्ते में। अब जो भी चीज़ें होंगी ऑलमोस्ट इक्का दुक्का छोड़ के, वो अब 22 से स्टार्ट होंगी, ठीक है। इस तरह आपको काफ़ी सारा टाइम मिल गया है। एक तो ये है कि आपकी कोई भी चीज़ एक्टिविटी मिस नहीं होगी, और दूसरा जो ये नोटिस है ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या किया गया है कि यूनिवर्सिटी कहती है कि यूनिवर्सिटी इज़ अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मैनी ऑफ यू आर एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज इन असेसिंग लेक्चर्स वीडियो थ्रू VULMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ड्यू टू रिसेंट सस्पेंशन ऑफ यूट्यूब सर्विस। वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज एंड अश्योर यू दैट यूनिवर्सिटी IT टीम इज एक्टिवली वर्किंग ऑन एड्रेस दिस इशू। यानी यूनिवर्सिटी को इस चीज़ का पता है और यूनिवर्सिटी की टीम इसके ऊपर काम कर रही है, जो भी इसका सोल्यूशन निकलता है। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, इन द मेन टाइम फॉर एन अल्टरनेट ऑप्शन एक्सेसिंग द वीडियो लेक्चर्स द यूनिवर्सिटी कैंपसेस अक्रॉस यूनिवर्सिटी में भी ले सकते हैं। और दूसरा जो जो इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि उन्होंने क्या किया है कि जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसको ना फिलहाल वेव ऑफ कर दिया है, ठीक है, कि आप उसको अभी ना देखें। मतलब ना देखने से मुराद है कि अगर नहीं चल रहे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत सारे क्विज ऐसे हैं जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तो वो, उसे कहते हैं वीडियो डिपेंडेंसी। आपने
लेक्चर नहीं देखे होते और जब आप क्विज करने बैठते हैं तो वहाँ पे एक मैसेज आ जाता है कि जी पहले इतने लेक्चर देखें। अब वो मसला यूनिवर्सिटी ने ख़त्म कर दिया है, आप अगर लेक्चर आपने उतने नहीं भी देखे होंगे तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ऐसा मसला अब ख़त्म हो गया है कि आप उन सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो पाबंदी थी लेक्चर देखने की वो ख़त्म कर दी है, और अब उसको उसमें जब आप क्विज़ करेंगे तो ऐसा कोई मसला नहीं आएगा। ये जो थी ना इनकी नोटिस बोर्ड के ऊपर ये खबरें थी, ये बड़ी अल्टरनेटिव चीज़ है। मसला तकरीबन हल कर दिया यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ का कि आप सभी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मुझे, बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर वीडियो लेक्चर प्ले नहीं हो रहे, तो वाकई नहीं हो रहे थे। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे आप भी अब देखेंगे तो आपके जो लेक्चर्स थे ना वो बहुत कम थे, यानी अगर आपने उसको व्यू नहीं किया था तो वो एक से दो से आगे बढ़े ही नहीं थे। तो यहाँ पे एकदम जो टोटल लेसन्स आ गए हैं ना कि अब तक इस वीक में जितने भी लेसन थे वो सारे ओपन हो चुके हैं। तो इस तरह आपके जो होम पेज के ऊपर है वो लेसन्स अब चेंज हो चुके होंगे, तो इस तरह आप देख सकते हैं। और दूसरा, इस वक्त क्या सूरत हाल है, 16 मई 6:05 हम देख लेते हैं कि इस वक्त वीडियो प्ले होते हैं या नहीं होते। ये देखिए ना, पहले क्या था कि हर वीडियो के ऊपर जब तक टिक नहीं लगती थी तो आप उसको नहीं देख सकते थे। अब यहाँ पे देखें कि जो वीडियो 3 है, वीक 3 है, उसके भी वीडियोस आप ओपन हो चुके हैं। इवन के वीडियो फो वीक 4 के भी ओपन है, कोई भी आप देख सकते हैं। अब आप आपके लिए वो एक्सेसिबल है। पहले क्या था कि जब तक आप एक देख नहीं पा रहे थे आपको अगला लेसन ओपन ही नहीं हो रहा था, तो आप किसी भी तरह से इसमें अटेंडेंस का सिलसिला था, जैसे कि आपको पता है कि मैंने बताया था प्रोग्रेस में आप चेक कर सकते हैं अटेंडेंस, ठीक है। अब एक उन्होंने यहाँ पे अटेंडेंस वाला भी जो मसला था ना वो भी ख़त्म कर दिया, जो शुरू शुरू में मैंने वीडियो शेयर की थी आपके साथ, अब वो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वीडियो इस वक्त तो ओपन हो रही है, अब मोबाइल के ऊपर क्या सूरत हाल है वो पता नहीं है। ये इंटरनेट कनेक्शन PTCL का है और इसके ऊपर तो वीडियोस इस वक्त ओपन हो रही हैं। खैर, अगर नहीं भी ओपन होती आपके पास तो अल्टरनेटिव है, उसका PDF है, और उसके बाद आप जो भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी आप डाउनलोड कर सकते हैं LMS से भी उसकी फाइल, इसकी जो हैंड आउट होती है। और इवन के जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हमारी वेबसाइट BU खानपुर, इसके ऊपर भी आपको इनके जो हैंड आउट्स हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ पे बुक शॉप में आप क्लिक करेंगे और हैंड आउट के अंदर आपको ये सारे हैंड आउट अवेलेबल हैं, जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड बटन एंड आपके पास फाइल वो आ जाएगी। उम्मीद है कि ये चीज़ें अब आपको समझ आ गई होंगी। ये जो मसला था आपका वीडियो लेक्चर देखने का, तो फौरी तौर पर अब आप जो है ना, एक तो ये है कि LMS के अंदर जितने भी आपके नोटिस आते हैं, जो अनाउंसमेंट्स आती हैं वो रीड करें फौरी तौर पर, और इवन के जो आपके LMS के जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जनरल नोटिस होता है यूनिवर्सिटी का, उनको भी आप नोट करें कि इस दौरान यूनिवर्सिटी आपके लिए क्या सोच रही है और क्या प्लान कर रही है, आपको इसी तरह से पता चलेगा। मैक्सिमम चीज़ों के ऊपर नज़र रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपके क्विज़ और असाइनमेंट बेहतर होंगी। और बाकी अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो फिर नंबर आपको मिल जाता है मेरा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और कुछ भी आपको पूछना हो पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और जो वीडियो हमारी थी वो यही था कि यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला है और ये गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पास स्लो इंटरनेट था और वो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको देखने में उनको प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब ये मसला हल कर दिया यूनिवर्सिटी ने। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।